हेलो 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 एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस आज हम करेंगे डे फाइव की वीडियो स्किन केयर वीडियो जो कि है हाउ टू रिड्यूस डार्क सर्कल्स गाइस आज हम करेंगे कि हम अपने डार्क सर्कल्स को कैसे कम कर सकते हैं देखिए खत्म तो नहीं हो सकता कुछ भी बट ये है कि हम थोड़ा सा उसको लाइट कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे नेचुरल होम रेमेडीज हैं जिनको हम ट्राई करके अपने रिड्यूस कर सकते हैं डार्क सर्कल्स बट बट मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल एकदम जो सामान घर पे ही मिल जाए बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े तो मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ इससे आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म नहीं होंगे बट एटलीस्ट लाइट हो जाएंगे थोड़े से फेड हो जाएंगे कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये होम रेमेडी तो गाइज इस होम रेमेडी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक पटाटो चाहिए और कॉफ़ी चाहिए घर पे कॉफ़ी अगर आपके पास नहीं भी है तो एक रुपये दो रुपये का सेश मिलता है वो ले आइए आपको बस यह दो यही दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनसे हम बनाएंगे अपना कॉफ़ी का मास्क आई मास्क फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसको मॉइस्चराइजर के लिए हम यूज़ करेंगे वो भी हम नेचुरल मॉइस्चराइज़र घर पे ही बनाएंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि कैसे बनाना है तो गाइज सबसे पहले हम जो आई मास्क बनाएंगे उससे पहले आपको मैं बता दूँ आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए फेस वॉश होना चाहिए उसके बाद ही हम ये आई मास्क अप्लाई करेंगे तो देन उसके बाद हम मॉइस्चराइजर बनाएंगे और मॉइस्चराइजर के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक एलोवेरा जेल जो अगर आपके घर पे एलोवेरा जेल आपके पास नहीं है तो एलोवेरा का प्लांट अगर आपके नेबर्स में या आपके घर पे अवेलेबल है तो आप वो एलोवेरा का प्लांट ही ले आइए तो आपकी उसकी स्किन रिमूव करके बीच से जेल निकालनी है अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप वो प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आपको चाहिए वाइटामिन ई e के कैप्सूल्स किसी भी मेडिकल की शॉप से आराम से मिल जाते हैं ट्वेंटी थर्टी रुपीज़ का पूरा कैप्सूल का पैकेट होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ वो आप अपने पास रख लीजिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन को अब ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे पटाटो जूस एंड अदर हैंड हम लेंगे कॉफ़ी अब हम इसको करेंगे कॉफ़ी को पटाटो जूस में मिक्स अच्छे से गाइस पटाटो एक नेचुरल होम रेमेडी है जो रिड्यूस करती है डार्क स्पॉट्स को पटाटो जो होते हैं वो हाई होते हैं वाइटामिन सी में जो हेल्प करते हैं हमारे कोलाजन को प्रोडक्शन को बूस्ट करने में और हमारी हेल्दी स्किन के लिए प्रमोट करने में गाइस बात करें कॉफ़ी की तो जो कॉफ़ी होती है ना उसके अपने खुद के पास एक एंटी इन्फ्लॉमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं रिड्यूस करने में पफी पोफियाइज़ हो जाती है ना उन गाइस पटाटो जूस को मैंने कॉफ़ी में अच्छे से मिक्स कर दिया है अब आपको क्या करना है अगर आपके पास ब्रश नहीं भी है तो चलेगा आपको अपना सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको अपना फ़ेस हमेशा क्लीन करना है लाइक फेस वॉश करके फिर उसके बाद ये अप्लाई करना है उससे पहले इसको लगा के फ़ेस वॉश नहीं करना है सबसे पहले हम फेस वॉश करेंगे अच्छे से फिर हमने ये जो पटाटो जूस वाला बनाया है इसको हमें अपनी हल्की सी फिंगर से ले कर और अपने जहाँ जहाँ हमारे अंडर आई है ना वहाँ पर इसको अप्लाई करना है हल्के हाथों से बिल्कुल दबाना नहीं है आपकी अपनी ही आँखें हैं इसको बिल्कुल आराम से ऐसे लगा के इसको मैंने अपने में अच्छे से लगा लिया फिर इसको उतार के, फिर आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ मैंने ना वो पैक लगाया था वो मैंने अच्छे से फिफ्टीन मिनट्स के बाद वॉश ऑफ कर दिया है आपको क्या करना है फेस वॉश करना है फिर पोटाटो जूस एंड पटाटो जूस एंड कॉफ़ी का वो लगा के मास्क डार्क सर्कल्स पे 15-20 मिनट्स रहने देना है उसके बाद आपको उसको वॉश कर देना है और वॉश करके आपको वॉश ना नॉर्मल जो हमारे घर में पानी आ रहा होता है उससे वॉश करना ना ज्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा नॉर्मल पानी से वॉश करके अच्छे से उसके बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि उसके बाद ना आपको ऐसे फील होगा कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे ड्राई ड्राई सा फील होगा आपको तो उसके उसके सोल्यूशन के लिए हम एक मॉइस्चराइजर बनाएंगे आई के लिए स्पेशली आई क्रीम बनाएंगे और वैसे तो मैंने बोला था कि मैं ये बॉबी ब्राउन की यूज़ कर रही हूँ क्रीम आप लोग अगर इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो एक सबसे अच्छा होम रेमेडी है जो कि है ये वाइटामिन ई e के कैप्सूल आते हैं एक ये वाला एंड उसके बाद एक एलोवेरा जेल हम इससे बनाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक बाउल लेना है खाली उसमें आपको एलोवेरा जेल डालनी है थोड़ी सी और फिर उसके बाद हम लेंगे एक वाइटामिन ई e का कैप्सूल हल्का सा कट करेंगे एंड देन हम ये भी इसके अंदर सारा डालेंगे अच्छे से देन उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है कैप्सूल और विटामिन ई कैप्सूल एंड एलोवेरा जेल को जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना आपको पता क्या करना है आपको अपनी जो ये रिंग फिंगर होती है इससे लेके आपको इसको जहाँ जहाँ हमने आ, वो लगाया था ना मास्क आई मास्क वहाँ वहाँ इसको आपको बिल्कुल हल्के हाथों से स्प्रेड करना है अच्छे से पूरी मसाज करनी है बट आपको सिर्फ रिंग फिंगर यूज़ करनी है और आपको हल्के हाथों से करना है अपने आइस को दबाना नहीं है इसको आराम से आपको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे दोनों साइड लगा के अच्छे से और आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे मॉइस्चराइज़र हो जा अरे कहना क्या चाहते हो काफी ज्यादा स्किन आप देखेंगे मॉइस्चराइज हो चुकी है तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको दोनों आइस पे लगा के अच्छे से लगाना आपको पूरा गाइस जो एलोवेरा है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट है और बहुत सारी स्टडीज में पाया गया कि एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है इस वाइटमिन ये है वो प्रोवाइड करता है मॉइस्चर हमारी स्किन में क्योंकि ये काफी इसके रिजल्ट जो होते हैं वो स्किन को और हाइड्रेट कर देते हैं तो गाइज आपने देखा जैसे एक्सेस बची थी ना एलोवेरा एंड वाइटमे नहीं कैप्शुल वो मैंने आइज़ पे लगाने के साथ साथ अपने पूरे फेस पे वो बच की थी लगा लिया और ई जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी अच्छा होता है अपने स्किन के लिए मॉइस्चराइज़ करता है तो इसलिए मैंने ये पूरे स्किन पर अप्लाई कर दिया और तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है मतलब नेचुरल होम रेमिडीज़ ट्राई करने से मतलब काफ़ी अच्छी मतलब ऐसे नहीं हम अपने स्किन पे कुछ भी यूज़ कर लेते हैं बट uh, जो जो हमको लगता है कि अच्छा ये मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया जैसे आपने देख लिया तो स्किन तो काफ़ी ग्लो कर रही है मेरी एक वाइटमिन ई e कैप्सूल की वजह से लुक्स hmm, नाइस nice. तो गाइज मैंने ये जो एक्सेस बचा था वो अपने हैंडलूम में भी लगा लिया अच्छे से देखिए गाइज ऐसे नहीं होता कि मतलब एक बारी में लगाने से आप बोलो कि जस्ट मतलब एक दिन में लगाया और उसके दूसरे दिन हमें रिज़ल्ट दिख जाएंगे अगर आपको किसी भी चीज़ के रिजल्ट चाहिए होते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है लाइक टेन डेज ट्वेंटी डेज थर्टी डेज ऐसा नहीं होता कि आज लगाया और आज ही आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो गए ऐसा होता है कि अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है आपको फेस वॉश सिरम्स ऑयल्स मॉइस मॉइस्चराइजर्स ये सब कुछ लगाना पड़ता है अदरवाइज़ अगर नहीं लगाते तो वैसे भी डार्क सर्कल्स की ग्रोथ क्योंकि स्किन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता रहता है तो जिसकी वजह से भी हमारी जो आईज़ होती है उनमें रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं डार्क सर्कल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ स्ट्रेस से बढ़ता है बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं तो इसीलिए जैसे आप अपने स्किन का ध्यान रखेंगे वो वैसे ही आपको वेलकम बैक करेगी तो आप अपना जो मैं ना अगर आप इसको मतलब ये नहीं बोल रहे हूँ कि आप इसको रोज़ रोज लगाना है आपको हफ्ते में सिर्फ एक बारी वाली पेस्ट ट्राई करनी है कॉफ़ी एंड पोटैटो जूस उसका मास्क लगा के अच्छे से वॉश करके फिर उसके बाद आपको उसको आई क्रीम की तरह एज एलोवेरा जेल एंड वाइटामिन ई कैप्सूल वो लगाना है हल्का सा और आपको इसको अपने फेस पे लगे रहने देना है फेस वैसे भी वाइटमिन ई कैप्सूल लगाने से आपके फेस में नेचुरल ग्लो भी आता है आप देखेंगे ऐसा होता है मतलब मैंने काफ़ी बार वाइटामिन ई e भी अपने फेस पे ट्राई किया तो मुझे वो सूट करता है क्या पता किसी को नहीं सूट करे बट मुझे वो सूट करता है तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप उसका पैच टेस्ट जरूर ले लें ऐसे अपने फेस पर डायरेक्टली यूज़ ना करें और गाइज ये वाली जो नेचुरल वैसे तो ये सब कुछ नेचुरली है तो नेचुरल होम रेमेडी आप जरूर ट्राई करिए और वीक में आपको एक बार इसको यूज़ करना है आप मुझे बताएंगे कि आपके रिजल्ट कैसे हैं कैसे नहीं कमेंट करके मुझे इसको वीक में एक बार ही यूज़ करना है ज़्यादा यूज़ नहीं करना है उसके बाद आप विद इन वन मंथ टू मंथ्स ऐसे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे जकदम से नहीं दिखेंगे बट वन मंथ टू मंथ्स के बाद आपको बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएंगे बट लाइट हो जाएंगे आपके फेस के अकॉर्डिंग तो आप ये नेचुरल होम रेमेडी ट्राई करिए और रिजल्ट्स देखिए इसके टू मंथ्स में और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना ज़्यादा ये लाइट हो रहे हैं आपके डार्क सर्कल्स तो ये थी आज की मेरी स्किन का वीडियो और अगर आप और सारी स्किन के वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मिलोगे आपसे न्यू वीडियो में तब तक के लिए बात बाय